आईटी स्टॉक्स भी रिबाउंड दिखा रहे हैं। विप्रो को लेके आइए डॉक्टर साहब। सनी अग्रवाल, विप्रो में एक मैनेजमेंट चेंज की बस बार बार आ रही है, कितना सही है कितना गलत, कौन जुड़ेगा कौन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट रीहॉल होने का लग रहा है, उस डायरेक्शन में जा रही है। और ये अंडर परफॉर्म की है लार्ज कैप आईटी कंपनीज को लार्ज पिछले कुछ एक दो सालों में, क्या इसके वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, आप लेंगे क्या 450 रुपये विप्रो को? सनी जी जी डेफिनेटली, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट डेफिनेटली बना हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बट वन इम्पोर्टेंट थिंग टू ट्रैक इज द जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमें अगले 11 से 15 जनवरी के बीच में पता चली जाएगा कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है स्पेशली फॉर देयर क्लाइंट्स इन यूएस एंड यूरोप वो कैसा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का क्या बजट रहेगा कैलेंडर ईयर 24 का, वो इवेंट में ट्रैक करना चाहूंगा। हालांकि जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनी थे उनके लिए जो सप्लाई साइड कंसर्न थे, जो एट्रिशन का जो कंसर्न था, वो पूरा अब खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो मार्जिन पे प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई साइड कंसर्न, मुझे लगता है कि वो दैट हैज बीन टेकन केयर। नाउ ओनली इश्यू इज ऑफ डिमांड एनवायरमेंट। अगर ऐसे कोई कॉमेंट्री आती है जिसके चलते ये निकल के आता है कि नेक्स्ट ईयर 8 से 12% की अर्निंग ग्रोथ हमें लार्ज कैप आईटी कंपनीज में देखने मिलेगी, ये साल जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में हालांकि 2 से 3% की ही अर्निंग ग्रोथ आएगी, तो ऑन अ लो बेस अगर लो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ भी हमें आईटी कंपनीज को मार्केट को ऐसा नैरेटिव लगता है तो एक राउंड ऑफ रीरेटिंग लार्ज कैप आईटी कंपनीज में आ सकता है। एंड देन कमिंग टू विप्रो, डेफिनेटली ये मैनेजमेंट चेंज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लाता है, नया मैनेजमेंट नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगा, एक एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी लेकर के आएगा, तो वेट एंड वॉच रहेगा, देखते हैं कैसे नया मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। जो अपकमिंग जो रिजल्ट है उसके उसमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, मैं उसे डेफिनेटली ट्रैक करना चाहूंगा।